नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड। मीरा भाईंदर, भाईंदर के उत्तन परिसर में सैयद बालेशाह पीर दरगाह पर आज जियारत करने के लिए टिकटॉक की फेमस महिला अदाकारा, फेमस सेलिब्रिटी सायरा सत्तानी आई है जियारत के लिए। हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप यहाँ पर आए हैं क्या, आप मन्नत के हिसाब से यहाँ पर आए, क्या मन्नत मानने के लिए आए आप? पहले तो सबको मेरा सलाम, और आप अगर मुझे पहचानते हो तो आपने देखा होगा कि मुझे ज़ियारतों का बहुत शौक़ है। मैं मन्नत तो नहीं मानती हूँ, हाँ लेकिन है कि ये बुज़ुर्गों की इज़्ज़त बहुत करती हूँ, और उनके दर पे जाने से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो खुशियाँ ये इनके दर से ही आती है, तो मन्नत तो कोई नहीं है मेरी। सायरा जी, आपके महिलाओं में ख़ासतौर से आप बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है महिलाओं में, ऐसी आपके आपको लेकर ऐसी बातें भी उठती है कि आप बहुत ज़्यादा सोना पहनते हैं, बहुत ज़्यादा जेवरात पहनते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि आप कहीं ना कहीं ये गलत करते हैं? जो गरीब जो किस्म की जो महिलाएँ वो अपने दिल पर कसोट करते हैं कि हम काश हम भी ऐसे होते, उनको कहीं ना कहीं आप नाराज़ करते, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए मैं जो भी करती हूँ अपने दिल की करती हूँ, और दूसरी बात मैं बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि ये सखावत वाली बातें होती हैं। मैं जो भी चीज़ें लेती हूँ मैं सबसे पहले गरीबों का हक उससे निकालती हूँ, और आप मुस्लिम हो तो आप जानते हो कि हमारे में लाजमी है कि ज़कात और फितरा। अगर मैं गोल्ड पहनती हूँ तो आपने देखा होगा कि मैं मतलब भरपूर पहनती हूँ, बहुत ज़्यादा होती है उसके साथ, तो अल्लाह पाक उन्हीं को देता है जो उसका हक अदा करते हैं। तो मेरी नज़रों से और मेरी नीयत से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने गरीब भाई बहनों का उससे ज़्यादा हक अदा करती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी का दिल दुखाती हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप सदका ज़कात भी देते रहते हैं। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि इस्लाम मजहब में औरतों को लेकर पाबंदी का हुक्म दिया गया है, और आप जो है कि कहीं ना कहीं लगता है कि आप अपना प्रदर्शन नहीं कर रही है, आपके सोनों के जेवरात जो आप लोग आप पहनते हो उसका आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप उस इस्लामी नज़रिए को, आप मानते हैं नहीं मानते? देखो सबसे पहली बात तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे मुस्लिम कमेटी में पैदा की है। सबसे बड़ी बात है कि हम हमारे हुजूर की उम्मत है, तो इस बात को तो मैं झुठला नहीं सकती, और ना मुझे फ़ख्र है, ना नर्वस नहीं है मैं, मुझे फ़ख्र है कि मैं मुस्लिम हूँ और अल्लाह ने मुझे इस लायक बनाया है कि औरतों के लिए मैं देखो मुस्लिम हूँ, लोगों मुझे पहचानते हैं, लोगों में मेरी पहचान है, मुझे प्राउड है कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरी पहचान है, तो मुझे उस चीज़ से ज़रा भी नर्वस नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ। पर्दादारी आप मुझे देखते हो कि जब मैं बिज़नेस करती हूँ तो उस सांचे में ढलती हूँ, जब मैं ज़ियारतों पे रहती हूँ तो उस सांचे में ढलती हूँ, तो इसमें पाबंदी वाली बात का है, क्योंकि हमारे को बचपन से हमारे माँ बाप ने, मैं पढ़ी लिखी भी हूँ, मैं अरबी भी जानती हूँ, मैं हिंदी भी जानती हूँ, मैं इंग्लिश भी जानती हूँ, आपने मुझे देखा होगा कि मैं जीन्स भी पहनती हूँ, साड़ी भी पहनती हूँ, और जब मैं ऐसी जगहों पर जाती हूँ तो मेरे सर पर दुपट्टा भी रहता है, तो मुझे कोई ऐसा नहीं लगता है कि मैं मुस्लिम में हूँ तो पाबंदी में हूँ। हमारा इस्लाम तो इतना कुछ सिखाता है कि हमको ये चीज़ों की तो ज़रूरत ही नहीं है कि हम पाबंदी में है या नहीं है, और मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं रिप्रेजेंट करती हूँ अपने कौम को। सायरा जी, ये बताएं कि जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है कि हमारे देश में ऐसा मुस्लिम वर्ग जो है ये कहीं ना कहीं से अपने आप को इनसिक्योर फील करता है कि जो जिस तरह से सरकारें आती जाती रहती है और सरकारों पे जो मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है, ऐसा कभी आपको ऐसा महसूस हुआ जब से आप टिकटॉक की स्टार बनी है तब से? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये गंदे लोगों की सोच है। आप समझ सकते हो कि कमेटी पे जो लोग मतलब रिलीजियस पे जो बातें करते हैं तो ये एक गंदी सोच है। आप कहाँ रहते हो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप जवाब दीजिए मुझे। मैं तो इधर मीरा रोड में रहता हूँ। ना मीरा रोड नॉट मीरा रोड, हम रहते हैं हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान में ये एक वर्ड होता है कि हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऑल रिलीजियस से मिलकर बनता है हिंदुस्तान, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप एक हिंदू या मुस्लिम, नॉट फेयर। नहीं, मेरा सवाल ये था कि कहीं यहाँ जिस तरह से सेलिब्रिटी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रही है इस आज के इस माहौल में, तो क्या आप भी एक सेलिब्रिटी होने के नाते क्या आपके साथ में भी कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है या कहीं आपको ऐसा इनसिक्योर फील हुआ है? नहीं 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 नहीं, मुझे तो ज़रा भी नहीं हुआ है। आपने अपनी आँखों से भी देखा होगा कि मुझे जहाँ भी जाती हूँ लोग मैं कोशिश करती हूँ कि एक दो क्लिक ज़रूर डालूँ जो मुझे लोग फ़ोटो लेते, तो आपको ऐसा कभी लगा कि मुझे कोई हिंदू पसंद नहीं करता या मुस्लिम पसंद नहीं करता? क्योंकि मुझे ना ये चीज़ पसंद है और ना मैं ये कभी बोलना चाहूँगी या हिंदू या मुस्लिम,
ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जब हमारे लॉकडाउन लगा था तो आपने देखा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, नहीं, सबके पेट में भूख थी, सब एक में एकजुट ये कोशिश करते थे कि मेरी प्लेट से उनको खिला दूँ, उनकी प्लेट से मैं खा लूँ, तो ये बात पर कोई बात ही नहीं होती है। थोड़े से शॉर्टकट में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका एक आम औरत से लेकर एक सेलिब्रिटी होने का जो सफ़र था, उसमें आपने ये किस तरह से सफ़र तय किया? सर मैं आपको सच बोलूं तो मैं अपने आप को पहले से ही सेलिब्रिटी बोलती हूँ, क्योंकि मेरा एटीट्यूड आप देखते होंगे, मेरा कपड़ा पहनने का शौक़, मेरा रहने का, हालांकि मेरा घर इतना बड़ा नहीं है, पर मैं अपने कोशिश करती हूँ कि मैं उसी घर को अपना बंगला बनाऊँ। मेरा शौक़ है कि मैं सेलिब्रिटी, कोई बड़ी बात नहीं होती सेलिब्रिटी, ठीक है, शौक़ है कि मुझे उस तरीके से रहना, पहनना, खाना पीना। हाँ ये है कि मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं खुद एक डिज़ाइनर हूँ, तो मैं एक 200 रुपए के कपड़े को भी 2000 का बना देती हूँ, तो लोग उसको सेलिब्रिटी का कपड़े समझते। तो और मैं कुकिंग में नंबर वन हूँ, तो मैं खाना भी देखते हो आपके, मैं दाल को भी इस तरीके से तड़का देती हूँ कि वो लगता है कि सेलिब्रिटी खा रहे, तो आई डोंट माइंड कि सेलिब्रिटी कुछ होता है। जी क्या संदेशा देना चाहेंगे आप हमारे इस चैनल के माध्यम से महिलाओं को, जो एक लाखों के तादाद में आपके फैन फॉलोअर है पूरे हिंदुस्तान भर में और मुल्कों में भी होंगे, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे इस चैनल के माध्यम से? पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि लाखों के नहीं है, मिलियंस में है मेरे फॉलोअर्स, और मैं सबको यही संदेशा देना चाहूँगी कि मुझे जितने लोग ताकीद करते हैं कि आप मत बोलना, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपके हक में जब कोई बात गलत हो और आपकी इज्जत की बात जब गलत हो तो जो बोलना बहुत लाजमी है, पर यह है कि एक लिमिट होती है, एक पर्दा होता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने जब औरत बनाई है तो उसमें एक शर्म की एक जगह रखी है। तो इसीलिए मैं खास करके लोगों को मैसेज देना चाहूँगी, मेरी महिलाओं को और मेरी यंग बच्चियों को जो मुझे बहुत पसंद करती है, कि बेटा बोलना ज़रूर, अपने आप को रिप्रेजेंट ज़रूर करना, ये नहीं कभी सोचना कि हम औरत हैं, हम मुस्लिम हैं, नॉट, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती, आपकी हिम्मत और आपका कॉन्फिडेंस आपका मायने रखता है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सायरा सत्तानी, टिकटॉक की फेमस सेलिब्रिटी है, इन्होंने मैसेज दिया है अपने फैन फॉलोअर्स को कि कभी भी हिम्मत ना हारे, भले वो महिला हो, लेकिन महिलाओं में भी जो अपनी एक ताकत होती है उस ताकत को वो सामने लाए, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके, कामयाब ज़िंदगी बना सके, जिस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाया है। आपने मुझे इस लायक समझे, आपने मुझे इतनी इज्जत दी, बहुत बहुत शुक्रिया परवरदिगार, आपके चैनल में इतनी बरकत दे और आप हमेशा सच्चाई लोगों को दिखा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी भी हमेशा यही कोशिश रही है कि हम हमेशा सच्चाई को ही सामने लाएं, लोगों को सच्चाई से ही रूबरू कराएं। आगे के भविष्य के लिए हम आपकी शुभकामनाएं करते हैं, आपको हम नेक ख्वाहिशात देते हैं कि आप और आगे जाएं और तरक्की करें, और फिर हम दोबारा इसी जगह पर मिले तो हम कुछ अलग रूप में मिले, आप भी अलग रूप में मिले, मैं भी अलग रूप में मिले, ऐसे हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड, मेरा भाईंदर, धन्यवाद।